राजस्थान प्रदेश की छवि देश में एक शांत और कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर मानी जाती है, लेकिन इस बार एनसीआरबी की ओर से जिस तरह के साल 2020 के आंकड़े पेश किए गए हैं वो राजस्थान के लिए एक चिंता का विषय है। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से दुष्कर्म के मामलों में देश में राजस्थान पहले पायदान पर आकर खड़ा हो गया है और ऐसी स्थिति हत्या, महिला अपराध, मानव तस्करी, अपहरण और अन्य गंभीर अपराधों में देखने को मिली है। राजस्थान की पहचान अपने गौरवशाली इतिहास की वजह से रही है। राजस्थान की पहचान नारी शक्ति की मान मर्यादा की रक्षा के लिए रही है, लेकिन पिछले 2 साल के अपराध के आंकड़े हमारी सभ्यता और संस्कृति पर कलंक की तरह है। प्रदेश की महिलाओं के साथ बढ़ते दुष्कर्म के मामले और कुछ नहीं, हमारी परंपरा को विभ्रस्त ही कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान पहले नंबर पर है। साल 2020 के दौरान राज्य में कुल 5,310 मामले घरेलू हिंसा के निदर्श हुए थे। राजस्थान में ये आंकड़े 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी से भी 2 गुना ज्यादा है। यूपी में साल 2020 में 2,769 मामले सामने आए थे। एनसीआरबी के आंकड़े राजस्थान के लिए चिंता का विषय है। एनसीआरबी के आंकड़े हमारी सत्ता, सिस्टम और समाज के गिरबान में हाथ डालते हैं। अगर देश में दुष्कर्म के मामले देखें तो राजस्थान पहले नंबर पर 5,310 मामलों के साथ है, वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर 2,769 मामलों के साथ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है जहां मामले 2,339 है। महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है जहां मामले हैं 2,061। असम 5वें नंबर पर बना हुआ है 1,657 मामलों के साथ। केवल महिला के साथ दुष्कर्म के मामलों में ही नहीं बल्कि अन्य अपराध के मामलों में भी राजस्थान की स्थिति भयावह बनी हुई है। साल 2020 में देश भर में 29,173 हत्याएं हुई, इनमें से 1,719 हत्याएं अकेले राजस्थान में हुई। राजस्थान हत्याओं के मामले में देश में 6ठे नंबर पर है। लूट के मामलों में राजस्थान देश में 9वें नंबर पर है। 2020 में हत्या के प्रयास के 2,062 मामले दर्ज किए गए और लूट के 1,155 मामले दर्ज हुए। अगर हम देश में अलग अलग अपराधों में राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ तुलना करें तो हत्या के मामले में राजस्थान देश में 6ठे नंबर पर है। देश में मामले जिसमें राजस्थान में 29,193 है, वहीं अकेले राजस्थान में 1,719 मामले हैं। हत्या के प्रयास में 9वें नंबर पर है 57,831 देश भर में मामले हैं, वहीं 2,062 केवल राजस्थान में मामले हैं। डकैती की बात करें तो 12वें नंबर पर है, वहीं देश में 2,558 मामले हैं, जिसमें से केवल 76 मामले राजस्थान से हैं। लूट के मामलों में राजस्थान 9वें नंबर पर है। देश में मामले कुल 24,107 हैं, जिसमें से 1,155 मामले सिर्फ राजस्थान से हैं। अपहरण के मामले में 7वें नंबर पर राजस्थान है। 84,805 मामले देश भर में हैं, वहीं इसमें से 6,234 मामले केवल राजस्थान से हैं। वहीं दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है। देश में मामले 28,046 हैं, जबकि 5,310 मामले केवल और केवल राजस्थान से हैं। एनसीआरबी ने मेट्रोपॉलिटन शहरों के अपराधों को भी अलग से वर्गीकृत किया है। ये वो शहर हैं जिनकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है। इन शहरों में दुष्कर्म के मामले में राजस्थान की राजधानी जयपुर सिर्फ दिल्ली से पीछे है। दिल्ली में दुष्कर्म के 967 मामले सामने आए हैं, जबकि जयपुर में 409 दुष्कर्म के मामले शहरों की कैटेगरी में दूसरे स्थान पर है। जयपुर से शरद पुरोहित की रिपोर्ट, जी मीडिया।